क्या कहते हैं, आप भी अपने शरीर को मोटा तंदुरुस्त और ताकतवर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में आपको घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने घर पे जो चीज़ें हैं उनको अवेलेबल चीज़ों को ही आप अपना इस एक अच्छा जो बॉडी बना सकते हो या जो अपने अच्छे इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हो या अपनी ताकत कम हो चुकी है उस ताकत को बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छे जो कुछ घरेलू उपचार बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने शरीर को बहुत अच्छा एक तंदुरुस्त फिट बना सकते हो। नंबर वन टिप्स मेरे दोस्त, यदि आप मॉर्निंग में जैसे उठते हो तो आपको क्या करना है, एक ग्लास दूध पीना है और दूध को जो गर्म करते हो तब एक बार ध्यान रखना कि उसमें जो आपको चार पांच जो ये चीज़ें आती है जो अपने बोला जाता है खजूर बोलते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको तीन चार खजूर लेके आना उसमें डाल देना, ठीक है। उसको जो बॉईल करने देना, वो गर्म होता है जैसे अच्छे गर्म होगा उनमें जो वो सीख जाएंगे है ना, उनके बाद में उनको खाना है और दूध को भी पीना है। इससे आपका जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जो आपके ताकत है हड्डियों में जो कमजोरी आ चुकी है उनको बहुत अच्छा स्ट्रांग बन रहा है, यानी ताकत को बढ़ा देगा और अपनी जो हड्डी है उसको कमजोर हो रखी है उसको मजबूत कर देगा। नंबर टू, बहुत करना उनको है कि जो आपको मॉर्निंग में उठते हो तो उठते ही आपको ये चीज़ तो करना ही है, दूध और जो आपको ये चीज़ खाना है, इसके साथ में आप चने और केले का जरूर सेवन करना है जिससे जो आपके शरीर में और भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। और जब आप जो डिनर कर रहे हो या जो अपने जब भी है जो आप 10-11 बजे जब भी आप जो खाना खाने लग रहे हो या जो अपनों शाम के टाइम में आप खाना खा रहे हो तो आपको ये चीज़ जरूर ऐड कर देने जिससे आपके शरीर में हमेशा इम्यूनिटी पावर बढ़े और जो आपकी शरीर में जो ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो मॉर्निंग में आपको या जो अपने दिन में जब भी आप खाना खा रहे हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दही का जरूर इसमें से लेना, दही आप जो एक कप ले सकते हो या जो एक ग्लास ले सकते हो या आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप चाहो जितना ले सकते हो, ठीक है। दही के साथ में आप जो अपना दाल लेना, जो भी जो अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं जो आप कोई भी दाल ले लेना और आपको चावल जरूर लेना, ये तीन चीज़ आपको जो शाम को भी ऐड करनी हो और जो दिन में खाते हो तब भी आपको ऐड करनी है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अपने शरीर में पेट में खाली मत रहने दो, क्योंकि बहुत से जो बंदे होते हैं जो खाते कम है, दिन में खाते फिर छोड़ देते हैं फिर शाम को 8-10 बजे खाते हैं, तो ऐसे मत करो। मॉर्निंग में खा रहे हो 10 बजे खाएं उसके बाद फिर 12 बजे खाओ, 12 बजे के बाद फिर जो 4 बजे खाओ, फिर जो आपको यानी कम से कम 3-4 टाइम होना चाहिए आपका खाना, तो अपने शरीर में जो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जो मैं कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए यही तरीके हैं जो आप जरूर ध्यान करना। और चाहो यदि आप जो अपने शरीर में जो कुछ और भी दिक्कतें हो रही है, वैसे कुछ पेट में प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक और बहुत अच्छा एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। जो आप मॉर्निंग में जैसे उठते हो तो मॉर्निंग में उठते ही आपको दूध वगैरह ये बातें पीने हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुना पानी उसको पीना है, ठीक है। मॉर्निंग में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बट थोड़ा गर्म होगा तो अच्छा रहेगा, तो आपके शरीर में जो भी जो वेस्टेज पदार्थ हैं या जो अपने वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो सब बाहर आ जाएगी, पूरा शरीर खाली रहेगा, तो आपका जो भी जो चीज़ें जो आपके अंदर जाएगी वो अच्छे से उनमें प्रोटीन को ले सकेगी और आपका जो शरीर है बहुत अच्छा एक फिट हो सकेगा, हेल्दी हो सकेगा, तंदुरुस्त हो सकेगा। ये ट्राई जरूर करना क्योंकि बहुत से बंदे ट्राई करते हैं इन चीज़ों को और उनका अच्छे से ग्रोथ होता है, तो एक बार जरूर मेरे दोस्त ट्राई करके देखना। और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, जिनों बंदों ने चैनल को ट्राई नहीं करना तो जरूर ट्राई करना क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।